ठीक है इशिता मोदित न्यासा पालकी पावनी क्लियर है सभी को? ठीक सर। है चलिए जी, मैं आगे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, क्वेश्चन 3 है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर, 3.4 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन फुल स्टॉप। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ? What current will this electric iron draw when connected to 110 volt supply line? When connected to 110 volt supply line. कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। देखिएगा इन्होंने बोला है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। इलेक्ट्रिक आयरन क्या? वो जो प्रेस करने के लिए जो होता है इलेक्ट्रिक आयरन। तो फर्स्ट केस देखिएगा, केस फर्स्ट, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक आयरन है वो करंट कितना ले रहा है? 3.4 एम्पियर। तो आई हो गया 3.4 एम्पियर और वोल्टेज कितना? 220 वोल्ट। तो वी इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ये हो गया व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो जब आई है और वी है तो हम कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक आयरन हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो उसका रेसिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ व्हाट वी इज इक्वल टू आई आर, इट इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। V is equal to IR, it implies that R is equal to V upon I. ठीक है, R हो गया V upon I. It again implies that कि R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 220 अपॉन 3.4। तो पॉइंट गया तो ऊपर एक और जीरो आ गया, तो 217 सा 34 और 211 सा 22, तो 1100 अपॉन 17 ohms ये रेसिस्टेंस आ गया। अब दूसरा केस देखिएगा, केस सेकंड, वो बोल रहे हैं व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। सेम इलेक्ट्रिक आयरन है, सेम इलेक्ट्रिक आयरन का मतलब क्या है कि उसका रेसिस्टेंस सेम रहेगा, रेसिस्टेंस में कोई अंतर नहीं आएगा। तो आर इज इक्वल टू 1100 अपॉन 17 ohm और अब वो कितनी सप्लाई उसको मिल रही है, कितना वोल्टेज मिल रहा है? 110 वोल्ट। 110 वोल्ट, तो आई कितना करंट वो ड्रॉ करेगा वो बताना है बाय यूजिंग
ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, इट इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. वी कितना है 110 डिवाइडेड बाई आर, यानी कि डिवाइडेड बाई 1100 अपॉन 17. 110 मल्टीप्लाइड बाई 17 अपॉन 1100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 10 आर 110, 17 अपॉन 10 आ गया. 17 अपॉन 10 मतलब 1.7 एम्पियर. तो ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है, जब इसको 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा तो ये कितना करंट ड्रॉ करेगा, 1.7 एम्पियर. सही है, समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं. यस सर. ठीक है, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ. फिर और यहां से ना एक चीज और समझ में आई होगी, हमने ये देखा था ओम्स लॉ में कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि वोल्टेज को अगर बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज को अगर कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा. इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो जैसे यहां पर देखिए वोल्टेज कितना था, 220 वोल्ट, करंट था 3.4 एम्पीयर. तो अब सेकंड केस में हमने इसको घटा दिया, कम कर दिया, तो कितना कम कर दिया, इसका आधा कर दिया, हाफ कर दिया. तो जब वोल्टेज 110 आधी हो गई तो फिर जो करंट है वो भी आधा हो जाएगा, 3.4 है तो करंट भी कितना हो जाएगा, उसका आधा हो गया, यानी कि 1.7 एम्पीयर. ठीक है. हाँ, ऑब्जेक्टिव होता तो हम इसको ऐसे ही कर देते, लेकिन सब्जेक्टिव है तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ थोड़ा प्रोसीजर लेंथी है. ठीक, चलिए अगला टॉपिक. अगला टॉपिक है ग्राफ बिटवीन वी एंड आई. ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, देखें इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस readings and the current readings the graph is found to be a straight line The graph is found to be a straight line passing through the origin. Bracket में लिखिएगा as shown. एक्स एक्सिस पर आपने ले लिया वोल्टेज और वाई एक्सिस पर आपने ले लिया करंट.
तो ये एक इस तरीके की ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाती है। फिर एक क्वेश्चन नोट करिएगा, उस क्वेश्चन में मतलब ये जो क्वेश्चन है ये कई बार ना सीबीएसई में ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें ना ग्राफ बनाने के लिए पूछा जाता है और फिर ये कहा जाता है कि आप ये बताइए कि उस ग्राफ की हेल्प से आप रेसिस्टेंस निकालिए एंड देन प्रूव इट दैट रेसिस्टेंस इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द corresponding values of the for the corresponding values of the potential difference for the corresponding values of the potential difference capital V across the coil are shown below. दोबारा बोलो। नहीं, वो तो भी मैंने बताया ही नहीं। अक्रॉस द कॉइल आर शोन बिलो, ये तो एक टेबल दे रखी है इन्होंने। अक्रॉस द कॉइल आर शोन बिलो, तो एक टेबल दे रखी है, पहले वो टेबल देखिए। आई है करंट, ये दे रखा है एम्पियर्स में। पोटेंशियल डिफरेंस वी, ये दे रखा है वोल्ट्स में। तो 0.05, 0.10, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.30। दोबारा लिख रहा हूँ इधर, नहीं तो बाहर निकल जाएगा इससे। वैल्यूज यही है, आप लोगों को काटने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज यही है। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ उसको, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30 और 0.40। ठीक है, ये तो करंट की अलग अलग वैल्यूज हैं। अब इन करंट की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंगली वोल्टेज की वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है, 0.85, 1.70, 3.5, मतलब 3.50 बोल दो उसको, 5.0, चाहे तो 00 बोल दो, और फिर है 6.80, 6.80। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। Plot a graph between V and I and calculate
प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल. अब देखिएगा क्या है, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द कॉइल आर शोन बिलो. तो एक कॉइल है, कॉइल का मतलब क्या है कि जैसे कि एक स्ट्रेट वायर है ना, एक वायर है, वायर में तो करंट फ्लो करता है हम जानते हैं. ये जो कॉइल है, कॉइल भी एक तरह से वायर ही है. कैसे, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, या फिर आपने कहा कि इस स्ट्रेट वायर को ही पकड़ के हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको वायर बोल देते हैं, इसको कॉइल बोल देते हैं. तो बेसिकली ट्विस्टेड वायर को ही हम कॉइल बोल देते हैं. तो अब आप ये देखिएगा, इन्होंने कहा कि एक आपको ग्राफ प्लॉट करना है वी और आई के बीच में, और फिर उसके बाद में आपको रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो ग्राफ देखिएगा कैसे प्लॉट करेंगे इसका. वोल्टेज देख रहे हैं हम 0.85, 1.70, 3.50, 5.00, 6.80. तो वोल्टेज जितनी भी वोल्टेजेस ये दे रखी हैं, ये सारी की सारी ये सब फाइव के मल्टीपल्स हैं, सब फाइव के मल्टीपल्स हैं क्या? अच्छा हाँ, वो तो 17 है, तो आ जाएगा, दिखाई भी दे रहा है. हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ में 0.05 का अगर गैप ले लिया जाए, बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी. 5 तक जाना है, तो अगर 0.5 का गैप लेकर चलें तो 10 वैल्यूज हो जाएंगी, है ना. 6.8 तक जाना है तो 14 वैल्यूज हो जाएंगी. चलो जीरो, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, नहीं हो पाएगा है, ज्यादा हो गया ना. ये नहीं हो पाएगा, कुछ और लेता हूँ स्केल, कुछ और लेते हैं. इधर बना रहा हूँ इसको बीच में. इधर तो जीरो ले लिया, और सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या है, 0.85, 0.85, 0.90, 0.95 अगर इस तरह से मैं ध्यान दूँ, तो 0.05 का अगर हम गैप लेंगे तो भी 6.80 तक पहुँचते पहुँचते बहुत वैसा हो जाएगा. और अगर हम 0.85 है ना, 1.70, 3.5 तक जाना है, फिर 5 तक है, तो ये भी बड़ा गैप हो जाएगा. आप सिंपल एक काम करो, आप आधे आधे का गैप ले लो, 0.5 0.5 का. ये हो गया 0.5, ये हो गया 1.0, ये 1.5, ये 2.0, 2.5,
3.0, फिर 3.5, फिर 4.0, फिर 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 और फाइनली यहाँ पर ले लो आप 7.0। ये तो हो गई वोल्ट्स, वोल्टेजेस, ठीक है। और वाई एक्सिस पर हमें लेना है करंट, तो वाई एक्सिस पर लेंगे हम करंट इन एम्पियर्स, तो इसको लेंगे हम 0.05 का ही गैप ले लो यहाँ पर, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35 और 0.40। तो मैक्सिमम हम 0.40 तक ही जा रहे हैं करंट में। ये स्केल सभी को समझ में आ गया भाई, क्लियर है? तो यासा, यस देखिएगा, तो 0.05, 0.85 वोल्ट पर एम्पियर है 0.05, तो 0.85 कहाँ पर आएगा? 1 से थोड़ा सा कम पर, यहाँ पर। तो आप क्या करें, इस पॉइंट को मार्क कर लो ऐसे, ये हो गया 0.85, ठीक है। तो 0.85 से आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 0.05 से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे दोनों यहां पर मिल गए, एक डॉट लगा दो। फिर अगला वोल्टेज का लेवल देखेंगे, वोल्टेज का अगला लेवल है 1.70, तो 1.70 कहाँ लाई करेगा? 1.5 और 2.0 के बीच में, तो ये यहाँ कहीं हो गया, तो यहाँ पर आप लिख दो 1.70 इतना वोल्ट। तो इतने पर वैल्यू कितनी आ रही है? 0.10 एम्पियर। तो यहां से आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और 0.10 से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, यहां पर एक डॉट लगा दिया जहां ये दोनों मीट कर रहे हैं। उसके बाद 3.50 वोल्ट्स है, तो 3.50 पर पहुंचिए, 3.50, तो ये रहा एग्जैक्टली 3.50। 3.50 के कोरस्पॉन्डिंगली करंट कितना आ रहा है? 0.20। तो 3.50 के कोरस्पॉन्डिंगली आप यहां से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और 0.20 से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये डॉट हो गया। उसके बाद अगला देखिए, फिर है वोल्टेज लेवल कितना? 5 वोल्ट, और इस पर आ रहा है 0.30। तो 5 से आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और 0.30 से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये दोनों इस पॉइंट पर मिल गई। उसके बाद क्या करना है? वोल्टेज लेवल देखो 6.80। 6.80 क्या है? 7 से जरा सा कम, तो 7 से जरा सा कम ये हो गया 6.80। तो इस पर करंट कितना आ रहा है? 0.40। तो यहां से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी 0.40, ये हो गया, यहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है? ये जो डॉट्स बने हैं, इन डॉट्स को आप स्केल रखकर ज्वाइन करते चले जाओ। ठीक है, मेरे पास तो स्केल नहीं है, आप स्केल से अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे ही होगा, और अगर स्केल से आप देखेंगे तो ये पीछे ना जीरो पर मिल भी जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो
और फिर हम इसी ग्राफ की हेल्प से वो कह रहे हैं आपसे कि आप इसका रेसिस्टेंस फाइंड आउट करिए। तो रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करा जा सकता है? हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 फाइव डिफरेंट केसेस हैं, तो हम हर एक केस में अगर देखेंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल सेम निकल कर आएगी, कहीं पर भी कम या ज़्यादा नहीं होगी, रेसिस्टेंस वेरी नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो आप ये देख लीजिए, रेसिस्टेंस अगर मैं केस 1 देखता हूँ, केस 1 में भी अगर आप आर निकालेंगे तो बाई ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ तो 0.85 अपॉन 0.05, 0.85 अपॉन 0.05, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये कैंसिल हो गई, ऊपर 85 नीचे 5, 5 17 85, तो रेसिस्टेंस कितना आ गया 17 ओम। फिर हम सेकंड केस की बात करते हैं, केस सेकंड की, और ये करना क्यों जरूरी है, ताकि हम ये बता पाएं कि कितने भी आप अलग अलग केसेस ले लीजिए लेकिन आपका रेसिस्टेंस जो है इट इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। तो देखिए यहाँ पर 1.70 और करंट कितना 0.10, तो इसमें भी आप देखेंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 170 अपॉन 10 आ गया, 0 से 0 कट, क्या बचा 17 ओम। केस 3, यहाँ पर रेसिस्टेंस 3.50 अपॉन 0.20, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, अब इधर 0 बचा और इधर 0 बचा, तो अगर मैं 2 से 35 को डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 17.5, तो इसको भी मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ कि 17 ओम है। थोड़ा बहुत वेरिएशन पॉइंट्स का, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, ठीक। अगला देखिएगा केस 4, फोर्थ केस में देखिएगा 5 अपॉन 0.30, आर इज इक्वल टू 5.00 अपॉन 0.30, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इधर भी 2 डिजिट, तो 500 अपॉन 30 हो गया, तो 0 से 0 कट गया। अब 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 16 का होता है 48, 50 माइनस 48 कितना हो गया 2, 3 6 18, 16.67, विच इज अगेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 17 ओम। ये हमारा फोर्थ केस। फिफ्थ केस देख लीजिए, फिफ्थ केस 5 में रेसिस्टेंस निकालेंगे तो अगेन वी अपॉन आई, तो 6.80 अपॉन 0.40, पॉइंट से पॉइंट कट गया क्योंकि दोनों ही केसेस में पॉइंट के बाद दो दो डिजिट हैं, 680 अपॉन 40, 0 से 0 कट गया, 4 17 68, तो यहाँ से भी हमारा जो रेसिस्टेंस है वो 17 ओम आ गया, ठीक है। तो कितने भी केसेस देखिएगा, हमारा जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यहां तक सभी को क्लियर है, बता दीजिए। ठीक यस सर। है, नेक्स्ट टॉपिक नोट करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस
factors affecting the resistance of a conductor. Factors affecting the resistance of a conductor. Note kariyega, the electrical resistance of a conductor depends on the following factors. The electrical resistance of a conductor depends on the following factors. Depends on the following factors. First likhenge, length of the conductor. Length of the conductor. इसमें resistance is directly proportional to length of the conductor. मतलब R is directly proportional to L. Second लिखेंगे, area of cross section of the conductor. Area of cross section of the conductor. Note करिएगा, resistance is inversely proportional to resistance is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. Resistance is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. Inverse proportion ऐसे लिखा जाता है, proportionality का sign और upon A. उसके बाद थर्ड लिखें, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर लिख देंगे बस. नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. Nature of material of the conductor. Resistance depends upon the nature of material. Resistance depends upon the
nature of material of the conductor of which it is made. Different materials may have different resistances when connected to the same battery. कनेक्टेड टू द सेम बैटरी. सेम बैटरी का मतलब क्या हो गया? सेम पोटेंशियल डिफरेंस. कि अगर हमने अलग अलग मटेरियल्स ले लिए और अलग अलग मटेरियल्स में हम पोटेंशियल डिफरेंस सेम अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेसिस्टेंस तब भी सेम ऑफर करेंगे, क्योंकि मटेरियल अलग अलग है तो दोनों का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा. ठीक. तो अभी तक हमने देखा लेंथ ऑफ द कंडक्टर. कि अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो लेंथ बढ़ा देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी अपने आप ही बढ़ जाएगा. वो ज्यादा रेसिस्ट करेगा, वो ज्यादा करंट को अपोज करेगा. अगर हम किसी भी कंडक्टर का यानी कि किसी भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर देते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा. इनवर्स प्रोपोर्शन इसी को कहते हैं. तो यहाँ पर देख लीजिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. जनरली जो वायर होती है, जो वायर होती है जैसे स्ट्रेट वायर होती है, तो वायर को अगर हम जूम करके देखें, मैग्नीफाई करके देखें, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक सिलेंडर हो. ठीक. तो सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ यही तो होगा. ये एक सिलेंड्रिकल वायर हो गई और ये जो मैंने शेड करा है ये हो गया इसका ए. Area of cross section और ये हो गया L. L मतलब length of wire. Area of cross section और length of wire. ठीक है. इसके बाद एक चौथा फैक्टर भी आता है. चौथा फैक्टर है टेम्परेचर. ठीक. आपको याद होगा कि रेसिस्टेंस जो शब्द है, जो रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, ये एग्जिस्टेंस में कब आया? जब हमने ये कहा था, जब हमने ओम्स लॉ की बात करी थी. और ओम्स लॉ की जो शुरुआत हमने करी थी, शुरुआत में ही हमने ये कह दिया था कि कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट. ओम्स लॉ स्टेट्स दैट कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर. ठीक है. तो सबसे पहले ही हमने कहा था कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट. लेकिन अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट ना रखा जाए तो क्या होगा? चौथा फैक्टर है टेम्परेचर. टेम्परेचर का रेसिस्टेंस से क्या लेना देना है? टेम्परेचर में है द रेसिस्टेंस ऑफ ऑल. इट हैज बीन फाउंड दैट. नोट करिएगा, दो पॉइंट्स लिखवाऊंगा. इट हैज बीन फाउंड दैट द रेसिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स दैट द
resistance of all pure metals increases on raising the temperature increases on raising the temperature increases on raising the temperature and decreases on lowering the temperature. And decreases on lowering the temperature. Next point likhe, but the resistance of alloys like But the resistance of alloys like manganin, comma, constantin, and nichrome is almost unaffected by temperature. Is almost unaffected by temperature. ठीक है, तो generally जितने भी metals होते हैं और अगर हम normally देखें तो जो metals हैं metals का ही हम सब घरों में भी जो electricity हो रही है तो वो कॉपर के थ्रू आ रही है या एल्यूमिनियम वायर के थ्रू आ रही है, तो ये सारे मेटल्स ही हैं, तो मेटल्स के थ्रू ही जनरली करंट हम पास करवाते हैं. तो अगर मेटल्स के थ्रू हम देखें जो करंट पास हो रहा है, तो मेटल्स अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और टेम्परेचर कम होता है तो रेसिस्टेंस भी कम होना शुरू हो जाता है. रेसिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के पाथ में जो अपोजिशन फ्लो करता है वो. ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम अलॉयज की बात करें जैसे मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया और निक्रोम हो गया, तो इनके टेम्परेचर, इनका आप टेम्परेचर बढ़ाएं भी या घटाएं भी तो रेसिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये जो चार फैक्टर्स हैं इनके बारे में फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. और अभी ये सभी बच्चे हैं ऑनलाइन, सभी को सुनाई दे रहे? yes. पालकी कल की क्लास अगर आप लोगों की छुट्टी है तो थोड़ा जल्दी रख लें, बताओ कल की क्लास थोड़ा जल्दी रख लें, सुबह ऐसे 11 बजे. 11 बजे बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पावनी, पालकी, न्यासा, मोदित, इशिता, सभी बच्चे बता दें. नो सर. ठीक है, चलिए तो मैं कल की क्लास जो है आप लोगों की 11 बजे रख रहा हूँ. ठीक है, 11 बजे आइएगा सुबह, फिर शाम का ऑफ रखेंगे. और दूसरी चीज ये बता रहा हूँ कि मंडे का मैं ऑफ रखूंगा तो मैं आप लोगों की संडे को क्लास ले सकता हूँ, परसों जो संडे है उसकी मैं क्लास ले सकता हूँ. ठीक है, तो प्रिपेयर रहिएगा, कल 11 बजे ले रहे हैं आपकी क्लास. ठीक है, चलिए जी, ओके. दोबारा बोलो. 10^-3 मिली जहां पर भी है, 10^-3 किलो का मतलब 10^3 मेगा का मतलब. हाँ, अच्छा.